हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फ्रेंड्स, बिल्कुल इस वीडियो में आपको काउंटडाउन टाइमर के बारे में सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप लाइफ टाइमर बना सकते हैं अपने एक्सेल के सीट के ऊपर। तो चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर देखिए इस शीट पे मैं एक डेटा टाइप करता हूँ। थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेता हूँ, देखिए आपके सामने, और इसको यहाँ से और थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइप करता हूँ, सेंटर पहले सेट कर लेता हूँ और टाइप करता हूँ 00, टाइम सेट करता हूँ 05, जितना भी आप टाइम देना चाहें, उसके बाद 00। ठीक है, हमने सेट कर लिया, हमने 5 मिनट का टाइमर लगाना है। इस पर क्लिक करके और यहाँ पर देखिए कस्टम का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक कीजिए और जाइए फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जाकर आपको कस्टम पे जब क्लिक कीजिएगा, यदि आपके पास जनरल है तो आप कस्टम पे क्लिक कर लीजिए और नीचे आइए तो आपको मिलेगा मिनट एंड सेकेंड, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इस तरह से मिनट और सेकेंड आ जाएगा। अब आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए, साइज और बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट पर और यहाँ से सेव ड्रा करते हैं इस तरह से। ठीक है, सेव, और यहाँ से इस तरह से सेव को बनाते हैं, ब्लैक सेट दे देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट, और इस पर हम लिख देते हैं स्टार्ट टाइमर, और इसे सेलेक्ट करके होम पे जाकर इसका साइज बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम कंट्रोल से 3 कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पर स्टॉप टाइमर कर देंगे और यहाँ पर रीसेट कर देंगे, रीसेट टाइमर। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 बटन बना लिए। अब हमें क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है सेव पर, राइट क्लिक करना है एक्जाइन माइक्रो। ठीक है, एक्जाइन माइक्रो, और यहाँ से टाइमर पर क्लिक करते हैं स्टार्ट टाइमर के लिए, ओके। फिर इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एक्जाइन माइक्रो और स्टॉप टाइमर पर सेलेक्ट करते हैं, ओके। और इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक्जाइन माइक्रो और यहाँ से रीसेट टाइमर पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं तो स्टार्ट टाइमर, तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया, वाओ, लेफ्ट में चलने लग गया। अब हम यहाँ रोकना चाहते हैं तो स्टॉप, देखिए स्टॉप पे जैसे क्लिक किया स्टॉप हो गया। अब हम रीसेट करेंगे तो फिर से 5 आ गया, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस विजुअल बेसिक कमांड का, जो कि माइक्रो है, माइक्रो का कमांड है, किस तरह से है, कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए आप डेवलपर पर ऑप्शन पर जाइएगा तो आपको मिलेगा विजुअल बेसिक। यदि आपका डेवलपर नहीं शो कर रहा है तो व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज द रिबन पे जाइए, और उसके बाद में आपको यहाँ डेवलपर पर टिक नहीं लगा हुआ, इसको चेक करके ओके कर दीजिए। तो इस तरह से डेवलपर शो होने लगेगा। तो फिर से हम देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको विजुअल बेसिक, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मॉड्यूल हमने पहले से लिख रखा है, देखिए ये है सब टाइमर, स्टार्ट टाइमर का मॉड्यूल लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टॉप टाइमर का लिखा हुआ है और नीचे सबसे लास्ट में रीसेट टाइमर का कमांड यहाँ पर मॉड्यूल बनाया हुआ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको तीनों के तीनों आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वर्ड की फाइल डाउनलोड होगा, उसमें से कॉपी करके आप अपना इंसर्ट पर जाकर मॉड्यूल पर जाकर जितना भी आप जैसे कॉपी कीजिएगा वर्ड की फाइल से, इस तरह से कॉपी कीजिएगा, आप अपने सेकेंड मॉड्यूल में राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, तो इस तरह से आपको लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैं जो 500 टाइप किया हूँ, A1 सेल नंबर में टाइप किया हूँ, इसलिए यहाँ पर A1 शो कर रहा है हर जगह, जहाँ जहाँ A1 है तो A1 में टाइप है। यदि आप टाइम A5 में कीजिएगा, इस सेल नंबर में कीजिएगा या जिस भी सेल नंबर में कीजिएगा, उसका सेल नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो सही से काम नहीं करने वाला। फ्रेंड्स, आप एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो रीसेट टाइम वैल्यू है, यहाँ पर 05 मिनट है, 5 मिनट है। यदि आप चाहते हैं कि आपका टाइमर 10 मिनट या 20 मिनट, 30 मिनट, जहाँ से भी स्टार्ट हो, आप वहाँ पर इतना टाइप कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे रीसेट कीजिएगा आपको 5 आ जाएगा। तो जो रीसेट वैल्यू है 5 मिनट, तो आप अपने हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट जितना डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डिलीट करके डाल लीजिएगा। तो इस तरह से बाकी आप जो टाइम वैल्यू यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, और नाउ टाइम वैल्यू जितना भी रखना चाहते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको सेल नंबर, टाइम वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, चेंज करके देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।